जम्मू कश्मीर में अब चुनावों का रास्ता फिर साफ हो चुका है, क्योंकि इस वक्त बड़ी खबर लेकर आपके सामने मैं हाजिर हुआ हूं। और ये खबर जो है वो डिलिमिटेशन को लेकर है। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो वहां पर एक पटिशन जो थी वो फाइल की गई थी और उस पटिशन को जो है वो खारिज कर दिया गया है। डिलिमिटेशन को लेकर जो पटिशन वहां पर फाइल की गई थी, हुआ हूं आपको ये बताते चलें कि जम्मू कश्मीर में जो है अब चुनावों का रास्ता जो है वो साफ हो गया है। दरअसल जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटों के परिसीमन को चुनौती देने वाली जो याचिका थी उसे सुप्रीम कोर्ट जो है उसने खारिज कर दिया है। और आपको ये भी बता दें कि जस्टिस अबे एस ओ की बेंच ने ये फैसला जो है वो सुनाया है, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर में परिसीमन की जो प्रक्रिया है उसको सही ठहराया गया है। आपको ये भी बता दें कि श्रीनगर के रहने वाले हाजी अब्दुल गनी खान और मोहम्मद अयूब मट्टू की याचिकाओं में ये कहा गया था कि परिसीमन में सही प्रक्रिया जो है उसका पालन जो है वो नहीं किया गया है, जबकि केंद्र सरकार, जम्मू कश्मीर प्रशासन और चुनाव आयोग इस दलील को गलत बता रहे थे। और उसके बाद अब जो है ये फैसला आया है कि अब जो पटिशन फाइल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर उसे जो है वो फिलहाल के लिए खारिज जो है वो कर दिया गया है। ये बड़ी खबर है। और अब जम्मू कश्मीर में जो चुनाव होने वाले हैं उनका रास्ता जो है वो बिल्कुल अब साफ होता दिख रहा है, क्योंकि परिसीमन जो है उसे पूरा होने के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे ये कहा गया था। और इसके बीच सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका जो थी वो दायर की गई थी, एक पटिशन जो थी वो फाइल की गई थी वहां पर, जो कहीं ना कहीं चुनावों में बाधा बन रहा था, क्योंकि इससे पहले भी तमाम ऐसी चीजें थी डिलिमिटेशन की जिसको लेकर तमाम वो सारी औपचारिकताएं जो हैं वो पूरी करने के बाद ही जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव होंगे ये कहा गया था, सरकार के द्वारा भी, चुनाव आयोग के द्वारा भी। और अब जिस तरह से ये जो पटिशन है उसे खारिज किया गया है तो अब चुनावों का रास्ता जो है वो बिल्कुल साफ जो है वो हो सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पटिशन को जो है वो बिल्कुल जो है वो खारिज कर दिया है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को लेकर दाखिल जो याचिका की गई थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो खारिज कर दिया है। याचिका में जम्मू कश्मीर में विधानसभा और लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के जो पुनर्निर्धारण के लिए परिसीमन आयोग के गठन के फैसले जो है उसे चुनौती दी गई थी। और अब जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो ये परिसीमन हुआ है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इसे चुनौती देने के लिए एक पटिशन जो है वो फाइल की गई थी लेकिन उस पटिशन को खारिज जो है वो कर दिया गया। आपको ये बता दें कि काफी लंबे समय से इसको लेकर प्रोसेस जो है वो चल रहा है, और इससे पहले भी हम आपको इसको लेकर अपडेट जो है वो आपके साथ साझा जो है वो कर चुके थे। और अभी सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला जो है वो आया है, इस याचिका जो है उसे खारिज किया गया है। और ये कहा गया है कि जो परिसीमन आयोग और जो सरकार है उसके द्वारा जो भी ये परिसीमन जो है वो किया गया है वो बिल्कुल सही है, उसे सही जो है वो ठहराया गया है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो अब कुल मिलाकर जो है वो 90 जो विधानसभा सीटें हैं वो यहाँ पर बनाई गई हैं। पहले इनकी संख्या जो थी वो कम थी लेकिन 7 जो है वो बढ़ाया गया है। पहले इसकी संख्या 83 थी और अब इसे 7 बढ़ाकर जो है वो 90 जो है वो किया गया है। और अब जम्मू कश्मीर के अंदर ये लग रहा है कि जल्द जो है वो चुनाव हो सकते हैं, क्योंकि अब चुनावों में जो बाधा पड़ रही थी वो बाधा जो है वो फिलहाल के लिए हटती हुई नजर आ रही है। इसको लेकर जो राजनीतिक प्रक्रियाएं हैं वो भी जो है प्रतिक्रियाएं माफ करें वो भी जो है वो आना शुरू हो गई हैं। कविंदर गुप्ता जो कि फार्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, स्पीकर भी रहे हैं जम्मू कश्मीर की असेंबली में, उनका भी साफ तौर से ये कहना है कि जो चुनाव आयोग है उसने बड़ा सही काम यहाँ पर किया, क्योंकि चुनाव आयोग के कई यहाँ पर जो लोग थे वो यहाँ पर खुद आकर लोगों से मिले थे। जम्मू कश्मीर में कई प्रतिनिधि मंडल जो हैं वो उनके साथ मिले थे और लोगों से बातचीत करने के बाद ही ये निर्णय लिया गया था कि कहाँ पर कौन सी सीटें जो हैं वो बढ़ाई जाएं, नाम जो हैं वो उसके क्या क्या रखें। बहुत से डेलीगेशन जो थे वो वहाँ पर मिले थे जब चुनाव आयोग की एक टीम जो है वो यहाँ पर आई थी, एक प्रतिनिधि मंडल जो है उनका यहाँ आया था और उससे कई प्रतिनिधि मंडल जो है उन्होंने मुलाकात जो है वो भी की थी। और अब जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में चुनावों का रास्ता जो है वो साफ होता दिख रहा है। इसमें कदम आज और जो है वो हुआ है, एक बड़ी अपडेट ये हुई है कि सुप्रीम कोर्ट ने उन पटिशन को जो है वो खारिज किया गया है जो चुनौती जो है वो इसे दे रही थी। और आपको फिर बता दूं कि श्रीनगर के रहने वाले हाजी अब्दुल गनी खान और मोहम्मद अयूब मट्टू की याचिकाएं जो है उन्होंने ये पटिशन जो है वो फाइल की थी, जिन्हें अभी खारिज जो है वो वहां पर किया गया है। जो चुनौती दे रही थी जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटों का जो परिसीमन हुआ था उसको चुनौती ये याचिकाएं जो हैं वो दे रही थी, लेकिन केंद्र सरकार, जम्मू कश्मीर प्रशासन और चुनाव आयोग की जो दलील थी उसे गलत बताया गया था, लेकिन उसे जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने सही बताया है कि ये सही है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कह दिया है कि जो सही तरह से ही जो ये परिसीमन है वो यहाँ पर हुआ है और अब जो है वो याचिकाएं जो हैं वो खारिज जो हैं वो की गई हैं। और आज ही आपको ये बता दें ये याचिका जो है वो खारिज की गई है। और अब आपको ये बता दें कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो रास्ता बिल्कुल
साफ होता जो है वो दिख रहा है। ये बड़ी खबर है कि जो याचिका वहां पर दायर की गई थी डिलिमिटेशन कमीशन को लेकर कि यहां पर जो डिलिमिटेशन है वो सही नहीं हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ये बिल्कुल सही हुआ है। रवि शर्मा, UNT, जम्मू।